और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में पंचायत संस्थानों के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान तथा मतगणना का कार्य 3 चरणों में कराया गया था। 3 चरणों में मतदान केंद्रों में ही इन पदों के लिए मतगणना संपन्न हो चुकी है। उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का सारणीकरण कर चुनाव परिणामों की घोषणा 14 जुलाई को संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि सारणीकरण के लिए 14 जुलाई को विकासखंड मुख्यालयों पर व्यवस्था की गई है। सारणीकरण का काम सुबह 10:30 बजे से शुरू हो चुका है। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। विकासखंड हरमुना में सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय, मऊगंज में शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय, नईगढ़ी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा गंगेव में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सारणीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं रीवा विकासखंड की बात करें तो सारणीकरण का कार्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर करचुलियान विकासखंड में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सारणीकरण के लिए, विकासखंड सिरमौर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जवा में जनता माध्यमिक विद्यालय तथा त्योंथर में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में स्थल निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। जिले में जिला पंचायत के 32 वार्डों में सदस्य पदों का चुनाव 3 चरणों में हो चुका है। इनकी मतगणना भी कराई जा चुकी है। जिला पंचायत सदस्य पद के सारणीकरण का कार्य विकासखंड मुख्यालय पर तथा जिला स्तर पर किया जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सारणीकरण का कार्य संबंधित विकासखंड मुख्यालय में 14 जुलाई को तथा जिला मुख्यालय में 15 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय में प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बड़े इत्मीनान से ध्यान से काम करना। प्रगणा के सुपरवाइजर कोई भी माइक अपना